हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। मनोज आईएएस लाया है मेंस लिखने के तरीके, कैसे आप मेंस लिखेंगे और आंसर राइटिंग किस तरह से अच्छे ढंग से करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है, जैसे आप बोलते हैं कि हिंदी मीडियम का कोई बालक क्यों सफल होता है, क्यों असफल होता है। आपको बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक कहानी सुने होंगे कछुए और खरगोश की। कछुए और खरगोश की जो कहानी आपने सुना था, कभी आपने ध्यान दिया, कछुए और खरगोश की जो कहानी सुनते हैं वो बहुत ही आपको सामान्य कहानी प्रतीत होती है, लेकिन आपको बता दें बहुत ही जटिल कहानी है वो। क्योंकि कछुआ जल में रहने वाला है, जबकि खरगोश जमीन पर स्थल पर रहने वाला है। लेकिन जब कछुए से खरगोश के बीच में प्रतियोगिता होने लगी तो खरगोश ने लेकिन नहीं लगाया। खरगोश क्या कहा, मतलब कछुए ने लेकिन नहीं लगाया, और वो कहा कि ठीक है, नहीं तो कछुआ एक सामान्य बहाना बना सकता था, भैया मैं तो पानी में रहने वाला हूं, पानी पर दौड़ूंगा, पानी पर हमसे अगर रेस लगाना है तो लगा लो, हमें क्यों आप जो है स्थल पर लगा रहे हो। लेकिन कछुआ उसकी चुनौती स्वीकार किया, और निरंतरता, कछुए का धीरे चलना मीन्स निरंतरता, निरंतरता होने के कारण आज जो है खरगोश पराजित हो गया और वह जो है जीत लिया। इस तरह की गतिविधियां हमारे आपके बीच में भी होती हैं। जो साइंस के बच्चे होते हैं वो निरंतर और गतिशील होते हैं, जब आर्ट साइंस के विद्यार्थी जो होते हैं, हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी होते हैं, कल्पनाओं में अधिक जीवित रहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी गलतियां करते रहते हैं, जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मनोज आईएएस आपको ले आया है आंसर राइटिंग प्रोग्राम। आंसर राइटिंग प्रोग्राम को आप चाहें तो उसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहें तो हमारे जो वेबसाइट है www.manojias.com, आप जो है इस पर जा सकते हैं, www.manojias.com पर जा सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट है, क्योंकि आपको जानते हैं कि छोटे छोटे शहरों में मनोज आईएएस ब्रांड के नाम अब लोग यूज करने लगे हैं। आप इससे बचने के लिए दिल्ली का जो खुद वास्तविक मनोज आईएएस है उसके साथ जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, www.manojias.com पर आएंगे और इस पर जो है इससे आप हमारे खुद के प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया है, वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है उसमें इतिहास के पेपर की आज हम चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन को लेते हैं, आज हम आपको 10 क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह है, होम रूल आंदोलन ने न केवल भारत की सुप्त जनता को पुनर्जागृत किया बल्कि आगामी आंदोलनों के लिए मजबूत आधार भी बनाया। इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। होम रूल, इसका उत्तर अगर लिखते हैं तो आप देखिए क्या क्या सावधानी। पहली बात तो उत्तर बिंदुवार में लिखना है, जैसा कि यहां पर प्रस्तुत किया गया है। होम रूल आंदोलन का वैचारिक आधार आयरलैंड आदि देशों में होने वाले स्वशासन की मांग संबंधी आंदोलन में निहित था, पहला इसका बिंदु था। दूसरी अगर बिंदु की बात करें तो दूसरा था, पहले तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की, जिसकी शाखाएं महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बाबर में खोली गई, बरार में खोली गई। ठीक है, आपके बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपने होम रूल लीग की स्थापना की, इसकी लगभग 200 शाखाएं तिलक के कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त पूरे देश में खोली गई। मतलब तिलक का जहां कार्यक्षेत्र था वहां पर न खोल करके पूरे देश में ये खोली गई। होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ को परिचित कराना था। इसके लिए आंदोलन के पुस्तकालयों व अध्ययन कक्षों जिनमें राजनीति से संबंधित पुस्तकें हों का निर्माण किया गया, तथा जनसभाओं एवं सम्मेलनों के आयोजन और पोस्टरों, नाटकों एवं धार्मिक गीतों आदि के माध्यम से स्वशासन के प्रश्न को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया गया। आपको बता दें, इस आंदोलन ने भारतीय
भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत करने में पिछले सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें जितने भी पीछे के आंदोलन हुए थे, होम रूल लीग आंदोलन जब आया, ये सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ करके नई दृष्टिकोण और नई जागृत योजना प्रस्तुत किया। आपको बता दें तथा भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण से पीछे पिछड़े क्षेत्रों जैसे गुजरात एवं सिंध तक अपनी पैठ बना ली। गुजरात और सिंध तक इसकी पैठ बन जाती है। होम रूल लीग आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से सशंकित होकर सरकार ने दमन का मार्ग चुना। सरकार ने क्या कहा, इस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयत्न किया। सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्रवाई की तथा राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। तिलक ने पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी। जून 1917 में एनी बेसेंट एवं उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई। एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी। इन्होंने अपनी सर की उपाधि त्याग दी। तिलक ने घोषणा की कि यदि एनी बेसेंट को रिहा नहीं किया गया तो भारतीय जनता सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करेगी। तो तिलक ने पहली बार विश्व मंच पर अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मंच पर सत्याग्रह का नाम ले लिया। इस प्रकार सरकारी दमन ने इस आंदोलन को और प्रभावी बना दिया। विवश होकर भारत सरकार, भारत सचिव ई एस मॉन्टेग्यू ने के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त संस्थाओं का विकास किया जाएगा। इस प्रकार सरकार ने कुछ कदम ही स्वशासन की ओर आगे बढ़ाया। होम रूल आंदोलन द्वारा फैली राष्ट्रीय आंदोलन और चेतना, आपको बता दें इससे जो चेतना फैली थी होम रूल आंदोलन द्वारा फैली राष्ट्रीय जनचेतना ने आगामी असहयोग आंदोलन के लिए तैयार कार्यकर्ताओं एवं स्वतंत्रता सेनानी दिए। इस प्रकार होम रूल आंदोलन ने जहां एक ओर अपने उद्देश्यों को एक सीमा तक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, वही दूसरी ओर राष्ट्रीय चेतना पर असीमित विस्तार करके स्वराज्य के प्रश्न को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बना दिया। इस तरह से आपको प्रश्न लिखना है। दूसरा प्रश्न आप देखिए जो हम मनोज आईएएस ले आया है, इसका पीडीएफ आपको इसको वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैंने बताया था वेबसाइट पर आपको मिलेगा। सत्याग्रह से आशय है सत्य के प्रति आग्रह। अब आप देखिए एक क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह स्थानीय प्रयोगों की रणनीति को स्पष्ट करें। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के स्थानीय प्रयोग की रणनीति को स्पष्ट करें। क्या महात्मा गांधी को जो सत्याग्रह था, क्या वो स्थानीय प्रयोग था, क्या वो इस देश को प्रयोगशाला के रूप में देख रहा था, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो आपको बता दें इसका उत्तर लिखते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है। आपको बता दें इसकी अगर आप उत्तर लिखते हैं तो आप पहली बात ध्यान देंगे कि सत्याग्रह पहला बिंदु होगा इसका। सत्याग्रह से आशय है सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह है क्या पहले उसको बताएंगे। तो सत्याग्रह से आशय है सत्य के प्रति आग्रह। भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने स्थानीय स्तर पर किया। कहां पर? चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के विरोध में सरकार के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर बिहार में सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था। इसमें तीनकठिया प्रथा का विरोध किया गया था। तीनकठिया प्रथा क्या होती है? 1/20 भाग पर खेती करना, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसका विरोध किया गया था। अहमदाबाद खेड़ा में भी किया। कुशल रणनीति के द्वारा सत्याग्रह का क्रियान्वयन कर गांधी जी ने न केवल इन आंदोलनों को सफल बनाया बल्कि दमनकारी शासन के प्रति प्रतिरोध, इस नए अहिंसक सत्याग्रह कुशल प्रदर्शन भी किया। आप बताओ चंपारण
जो है चंपारण कहाँ है, बिहार में तीनकटिया पद्धत भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती करने के उन्मूलन हेतु विविध रणनीतियों अवज्ञा अवहेलना शांतिपूर्ण प्रतिरोध के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग करके गांधी जी ने तीनकटिया पद्धत को समाप्त करने तथा बागान मालिकों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस कराने में सफल रहे। तो गांधी जी को सफलता मिली इस आंदोलन में। अगला जो है आपका वह बिंदु है, वह क्या है आपको बता दें, इसके बाद अहमदाबाद में क्या हुआ, गुजरात, अहमदाबाद कहां, गुजरात में मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य प्लेग बोनस, एक प्लेग बीमारी आई थी से बोनस संबंधी विवाद में मालिकों के अभद्र अशिष्ट और क्रूर व्यवहार से गांधी जी ने नाराज होकर मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और 35% बोनस की मांग करते हुए स्वयं अनशन पर बैठ गए। इस शांतिपूर्ण सत्याग्रह की रणनीति के फलस्वरूप मिल मालिक ट्रिब्यूनल गठित कर मामले के नियंत्रण को तैयार हुए, निस्तारण को तैयार हुए, जिसने अंततः 25% बोनस देने का निर्णय लिया। कितने प्रतिशत, 35% बोनस देने का निर्णय ले लिया और ये 25% बोनस ही अंत में जो लाभकारी बना। आपको बता चौथा है, इसके साथ ही गुजरात में फसल बर्बाद होने के बाद भी मालगुजारी की वसूली को लेकर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विठल भाई पटेल और गांधी जी ने निरीक्षण परीक्षण के बाद लगान न देने को सही बताया और किसानों को सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ भड़का दिया। ये जो है प्रक्रिया थी, शांतिपूर्ण संघर्ष करने की शपथ दिलाई गई। गांधी जी की रणनीति सफल रही तथा सरकार ने यह निर्णय लिया कि लगान उन्हीं को उन्हीं से वसूला जाए जो देने की स्थिति में है और जो देने की स्थिति में नहीं है उन किसानों से कर नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह के प्रयोगों हेतु उदात्त रणनीति बनाकर स्थानीय आंदोलनों को सफल बनाने के पश्चात ही संपूर्ण देश में अहिंसक विरोध के इस नूतन प्रयोग का निश्चय किया। यह आपका दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न है आपका, वह क्या है, तीसरा प्रश्न है आपका, गांधी जी ने किस क्रियाविधि को अपनाकर चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाया, व्याख्या कीजिए। गांधी जी ने किस क्रियाविधि को अपनाकर चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाया, व्याख्या कीजिए। तो आपको बता दें कि इसका उत्तर लिखते समय क्या सावधानी बरतना, किस तरह से लिखना है, भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने चंपारण सन 1917 के किसान आंदोलन में किया, जिसका आशय है सत्य के लिए आग्रह करना, जिसका आशय क्या है, सत्य के लिए आग्रह करना। इसके बाद आता है आपका दूसरा बिंदु है इसका, शांतिपूर्ण प्रतिरोध। चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को तुरंत वापस जाने का आदेश दिया पर गांधी जी ने अंतरात्मा की आवाज का पालन करते हुए आदेश दिया पर गांधी जी ने अंतरात्मा की आवाज का पालन करते हुए आदेश को मानने से इनकार कर दिया और इसके लिए किसी भी दंड को भुगतान भुगतने का फैसला किया। यह आश्चर्यजनक कदम था क्योंकि किसी आदेश की अवज्ञा और उसका शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिरोध वास्तव में नई चीज थी। आप इसको ग्राफ द्वारा समझ सकते हैं, ग्राफ का भी प्रयोग करना है कुछ क्वेश्चनों में। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था, नील की खेती करना, अर्थात तीनकटिया जैसी व्यवस्था, 3/20 भाग पर नील की खेती करने का ये जो विषय वस्तु था इसका एक था। दूसरा था सफलता का कारण क्या था, अवैध वसूली के खिलाफ था। ये बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ा 25% का अवैध वसूली 25% वापस करने की बात कही, बागान मालिकों ने चंपारण आंदोलन छेड़ा।
और इसमें जो प्रथा नील की खेती में कौन कौन सी प्रथा थी आपको जो बता दें, जीरात प्रथा थी और दूसरी प्रथा थी आसामी प्रथा या तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया का मतलब होता है 3/20 भाग पर नील की खेती करने को तीन कठिया कहा गया है। ये ग्राफ द्वारा इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। ग्राफ आपको बनाना है, आपको क्रियाविधि क्या थी इसकी, चंपारण की क्रियाविधि की बात करें तो चंपारण में स्थिति का अध्ययन करना था, दूसरा है अनुचित आदेश की अवज्ञा करना था, जो उचित नहीं था ऐसे आदेशों का अवज्ञा करना था, शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना था, चंपारण एग्रेवियन कमेटी का गठन करना था और जनशक्ति का उपयोग, जनशक्ति का पहली बार किसी आंदोलन में उपयोग किया गया भारत में तो यही था, जनशक्ति का उपयोग किया गया। इसमें जनशक्ति क्या थी आपको बता दें, जनशक्तियां जो थी वो कौन कौन सी थी आपको बता दें, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ जनशक्ति को एकत्र कर विरोध प्रदर्शन किया, इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं थी, अधिकारों के प्रति जो है गांधी जी ने जो अधिकार थे वो कौन कौन से थे, अधिकारों के प्रति जागरूक करना, दूसरा लोगों को स्वच्छता एवं शिक्षा देकर को लेकर जागरूक किया, गांधी जी का कहना था कि शिक्षा द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त करता है करना है, उन्होंने महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया तथा अपने हाथों से काटे गए वस्त्र पहनने की सोच द्वारा स्वावलंबी बनने की प्रेरणा प्रदान की। इसी तर्क को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है, इसी ये जो है प्रासंगिक तथ्य है कि महात्मा गांधी के आधार पर किया गया है। गांधी जी ने चंपारण के गांव में अपने सहकर्मियों, उनके सहकर्मियों में शामिल थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहर पारिक, कृपनाल कृपलानी, महादेव देसाई एवं ब्रज किशोर तथा बिहार के अनेक बुद्धिजीवियों के साथ घूमकर लगभग 800 किसानों को के बयान पूर्ण सहमत और संतुष्टि के बाद ही दर्ज किए। लगभग 8000 किसानों ने स्वयं आकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई। लगभग 800 किसानों से गांधी जी मिले, बयान लिया, जबकि 8000 किसान ऐसे थे जो स्वयं शिकायत दर्ज कराने वहां पाए थे। समिति का गठन किया गया, समिति क्या थी, समिति जो थी वो थी अंततः बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने, उसमें राज्यपाल जो था बिहार का एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों की समस्याओं की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसे चंपारण क्या कहा जाता है, जिसे चंपारण, इसको जो है चंपारण एग्रेरियन कमेटी कहा गया है। इसमें गांधी जी के साथ हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, एलसी उदामी, जी रैना तथा डीजे रीड शामिल थे। इन्होंने निष्ठापूर्व जांच करके अपनी रिपोर्ट कमेटी को सौंप दी। कमेटी को यह समझने में कि तीनकठिया प्रथा समाप्त होनी चाहिए कोई मुश्किल नहीं हुई। इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह का जो है उद्देश्य पूर्ण होता है। ये जो कमेटी गठित की गई थी, इस कमेटी के ने जो व्यवस्था प्रस्तुत की, अपने विचार प्रस्तुत किया, कमेटी ने आसानी से समझ लिया कि तीनकठिया प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए और तीनकठिया प्रथा जब समाप्त होगी तभी जाकर इसका उद्देश्य सफल होगा, ये जो है किया गया। अगला प्रश्न है, आपको बता दें महात्मा गांधी के आंदोलनों का मुख्य आधार ग्रामीण भारत था, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है क्या महात्मा गांधी के आंदोलनों, ये कथन है, महात्मा गांधी के आंदोलनों का मुख्य आधार ग्रामीण भारत था, स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण भारत था महात्मा गांधी किसका, स्पष्ट कीजिए। आपको बता दें तो इसका उत्तर लिखते कैसे लिखेंगे, ब्रिटेन से वकालत की गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने क्या किया, ब्रिटेन से वकालत की, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात दक्षिण अफ्रीका की श्वेत सरकार रंगभेदी नीतियों की धज्जियां उड़ाकर वर्ष 1915
आपको बता दें 9 जनवरी सन 1915 में गांधी स्वदेश लौटे। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर विदेशी शासकों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने से पूर्व ग्रामीण भारत को समझने के लिए भ्रमण करना अधिक उचित समझा। इससे उनको भारत के कोने कोने में व्याप्त आत्मनिर्भरता, बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, महामारी, अस्वच्छता आदि को देखने समझने का अवसर मिला। साथ ही वे यह भी जान सके कि किस प्रकार भारत जो है ग्रामीण समाज जमींदारों के शोषण का शिकार था और जमींदार भारतीयों को नियंत्रित करने में अंग्रेजी शासकों के हथियार के रूप में कार्य करते थे। इन्हीं जानकारियों के साथ गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल ग्रामीण भारत में ही बजाया। उन्होंने 1917 में नील उत्पादक कृषकों के हित में की खातिर चंपारण आंदोलन तथा 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा में कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। आर्थिक विकास हेतु गांधीवादी मॉडल जो है आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने क्या किया तथा 1918 में गुजरात खेड़ा कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। गुजरात खेड़ा आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। आपको बाद आर्थिक विकास हेतु गांधी जी ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था। जो मॉडल था वो क्या था? गांधीवादी मॉडल था। क्या था इसको? क्या कहा गया है? गांधीवादी मॉडल कहा गया है। गांधीवादी मॉडल था और गांधीवादी मॉडल का मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाने पर केंद्रित था। जो गांधीवादी मॉडल था वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो होती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसको जो है क्या स्वावलंबी बनाने पर ही केंद्रित था। गांधी जी ने देश में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु गांव-गांव तक रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ और गोरक्षा संघ आदि को के साथ जो है कुटीर उद्योगों और चरखा, खादी, बैलगाड़ी जैसे प्रतीकों के माध्यम से ग्रामीण जनता की आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण भारत को देश की मुख्य राजनीतिक धारा के मामले में सफलता प्राप्त की और यह ग्रामीण भारत उनके आंदोलन जन आंदोलनों को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के साथ ही उनका मुख्य आधार बना। आजादी प्राप्त करने हेतु गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रत्येक आंदोलन यथा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि सभी में ग्रामीण भारत की सक्रिय भागीदारी का प्रयास किया गया है और निश्चय ही इन आंदोलनों की सफलता का मुख्य आधार जो है ग्रामीण जनसंख्या की सक्रिय भागीदारी थी। अगला प्रश्न है आपका, पांचवा प्रश्न, वह क्या है? गांधी जी का असहयोग आंदोलन खिलाफत से किस प्रकार जुड़ा था? इसे कब और क्यों स्थगित किया गया? आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन से किस प्रकार जुड़ा हुआ था, जो खिलाफत आंदोलन था इस प्रकार से किस तरह से जुड़ा हुआ था, इसे कब और क्यों स्थगित किया गया इस कानून को, तो मैं आपको बता दूं कि मॉन्टेस्क्यू सेंसफोर्ड सुधार एवं दमनकारी रॉलेट एक्ट के निरस्त न किए जाने के कारण निराश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। आपको बता दें रॉलेट एक्ट सन 1919 में आया था,
आपको बता दें 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसके पूर्व 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुए समझौते न हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के निकट ला दिया था, बल्कि रौलट एक्ट कानून विरोधी आंदोलन एवं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की के साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने जल्द ही खिलाफत आंदोलन का शक्ल प्राप्त कर लिया था। आपको मैं बता दूं कि भारत में जो तुर्क थे, जब अंग्रेजों ने तुर्कों पर तुर्की पर आक्रमण किया, तुर्की का जो पतन होने लगा, तो जो भारतीय अंग्रेज भारतीय मुस्लिम थे वह जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, अंग्रेजों के क्या होते हैं, खिलाफ हो जाते हैं। अली भाइयों मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी गठित की गई तथा नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, ने फैसला किया कि यदि उनकी मांगे न मानी गई तो सरकार को असहयोग आंदोलन करना बंद कर देंगे, जो है सरकार को सहयोग करना बंद कर देंगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ। गांधी जी ने खिलाफत प्रस्ताव को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर माना जो 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। गांधी जी ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम में एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, इन्होंने कहा कि जो प्रयास किया जा रहा है ये ऐसा प्रयास है कि हिंदू मुस्लिम के लिए एकता का ऐसा 100 वर्षों तक कोई अवसर आने वाला नहीं। उन्होंने घोषणा की कि तुर्की के साथ शांति संधि की शर्तें भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट नहीं करती हैं, तो वे साथ ही असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे। 4 जून 1920 को एक सर्वदलीय सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। आपको बता दें इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है, जून 1920 में इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ, जिसमें असहयोग को अस्त्र के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पारित किया गया तथा दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इन प्रस्ताव की अंतिम रूप से पुष्टि करते हुए कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन के स्थान पर स्वराज्य का नया लक्ष्य घोषित किया। पांचवा इसका बिंदु है, असहयोग आंदोलन के तहत यह प्रस्तावित किया गया कि लोग सरकारी शिक्षा संस्थाओं, अदालतों, विधानमंडलों का बहिष्कार करें, विदेशी वस्त्रों का त्याग करें, सरकारी उपाधियों सम्मान को वापस करें, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दे दें। इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने असहयोग और खिलाफत को संयुक्त रूप से अपनाया। असहयोग आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए सरकार ने दमन का मार्ग चुना, जिससे जनता क्या होता है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ने लगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तत्पश्चात कांग्रेस कार्य समिति ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव द्वारा इस आंदोलन को स्थगित कर दिया एवं जनता के रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर उन्मुख होने को कहा। आपको बता दें, प्रश्न इससे ये भी बनता है, क्या गांधी जी ने अपने आंदोलनों को स्थगित करके रचनात्मक कार्यों द्वारा आंदोलन को कैसे बढ़ाया। इस प्रकार इसका प्रमुख कारण था गांधी जी को यह भय था कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आंदोलन आसानी से हिंसक मोड़ ले सकता है। साथ ही उससे उन्हें प्रतीत हुआ कि राष्ट्रवादी आंदोलन सफल नहीं हो सका, इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार किसी भी हिंसक आंदोलन को आसानी से कुचल सकती थी।
अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। बहुत सीधा साधा प्रश्न है कि छठवां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे, इस पर प्रकाश डालना है। तो आपको बता दें इसके कौन कौन से बिंदु थे। पहला बिंदु था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद 25 जनवरी 1931 को उनकी रिहाई हुई और फिर वायसराय से हुई वार्ता के पश्चात 5 मार्च 1931 को गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते। इसी समझौते को जो 5 मार्च 1931 को हुआ, तो इसी को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते की शर्तों के तहत लॉर्ड इरविन इस बात पर सहमत हुए कि कौन कौन से बिंदु रखे गए थे, हिंसा के आरोपियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की वसूली की समाप्त तथा जब्त की गई संपत्ति वापस कर दी जाए, सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मसले पर विचार किया जाएगा, समुद्र तट के निश्चित सीमा के भीतर नमक बनाने की अनुमति दी जाएगी, मदिरा अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई, आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लिया जाएगा। और दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन क्या क्या दिया था? गांधी जी ने आश्वासन दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। गांधी जी ने बोल दिया कि सविनय अवज्ञा हम वापस ले लेंगे। दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि भाग लेंगे। आपको बता दें तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लेने वाले थे, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे। पुलिस जातियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग वापस ले ली जाएगी, नमक कानून उन्मूलन बहिष्कार की मांग वापस ले ली जाएगी। इस तरह से घोषणा जो है कौन किया था? कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने किया था। सातवां प्रश्न है आपका असहयोग आंदोलन, असहयोग सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो आंदोलन अलग अलग न होकर एक बृहद रणनीति के तीन चरण मात्र हैं, परीक्षण कीजिए। आपको बता दें असहयोग सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो आंदोलन अलग अलग न होकर एक बृहद रणनीति के तीन चरण मात्र हैं, परीक्षण कीजिए। आप बता दें अगर इसकी बात करें ये क्या है। प्रश्नगत तीनों राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति हैं, स्वरूप तथा काल भले ही भिन्न भिन्न रहे हों, परंतु सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह आंदोलन अलग अलग न होकर एक बृहद रणनीति के तीन चरण मात्र हैं। इसके प्रथम चरण क्या था? इसके प्रथम चरण असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने शांतिपूर्ण असहयोग करने तथा देशवासियों से सरकारी तंत्र के प्रति निष्ठा न रखने की अपील की। बहिष्कार का आह्वान तथा स्वदेशी का समर्थन करने के लिए वकीलों, छात्रों, व्यापारियों इत्यादि को सम्मिलित कर देशव्यापी आंदोलन शुरू किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी जी ने आंदोलन के पूर्व प्रशिक्षण देने तथा आंदोलन के पश्चात निष्कर्षों का अध्ययन करने का तदनुरूप सुधार करने पर बल दिया। प्रथम शांतिपूर्ण आंदोलन का विशेष प्रभाव न पड़ने के कारण तथा उसके आकलन के आधार पर आंदोलन के एक दूसरे चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत रणनीति को बृहद बनाया गया तथा उसमें महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस आंदोलन में नमक कानून का उल्लंघन करने, मदिरालयों तथा अफीम की दुकानों को बंद कराने, विदेशी वस्त्र जलाने, सरकारी नौकरियों का परित्याग करने,
लगान व करों का भुगतान न करने इत्यादि का आह्वान किया गया। इस आंदोलन की व्यापकता प्रसिद्ध पत्रकार लुई फिशर के शब्दों में स्वतः स्पष्ट हो जाता है। आपको बता दें, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि इस आंदोलन का पत्रकार कौन था, तो आप बता दें लुई फिशर था, जो गांधी जी के साथ रहा। और इसमें जो है जो बात कही गई है वो क्या है, स्पष्ट कहा गया हो जाती है क्या है। लुई फिशर क्या कहता है, लुई फिशर कहता है इंग्लैंड शक्तिहीन हो गया और भारत अजेय हो गया। लुई फिशर कहता है कि इंग्लैंड इस आंदोलन के कारण क्या हो गया है शक्तिहीन हो गया है, जबकि भारत जो है अजेय हो गया, अर्थात भारत अब हारने वाला नहीं है। तृतीय चरण क्या था इसमें, तृतीय चरण था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर, गांधी जी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो का नारा देकर यह स्पष्ट कर दिया कि यह परतंत्र भारत का अंतिम महा आंदोलन है और इसके लिए मात्र दो ही विकल्प हैं, या तो आजादी या तो मृत्यु, डू एंड डाई। यह सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। इसमें समाज के सभी वर्गों ने स्वेच्छा से भागीदारी कर अखिल भारतीय स्तर पर इसका संचालन किया। इसमें रेलवे स्टेशन, कार्यालय, सरकारी भवनों तथा उपनिवेश राज के संस्थानों एवं प्रतीकों पर व्यापक स्तर पर प्रहार किए गए। नए जोश, आशा, संकल्प एवं आस्था के साथ दृढ़ निश्चय तथा आत्मविश्वास से युक्त होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूदकर स्वतंत्र भारत की पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई। आपको बता दें, इस प्रकार असहयोग से सभी ने अवज्ञा और फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो, ताकि क्रमिक रूप से भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ और स्वतंत्रता की आकांक्षा बलवती होती गई। अंततः स्पष्ट है कि ये तीनों राष्ट्रीय आंदोलन एक बृहत रणनीति के प्रति संचालित किए गए, जिसका एकमात्र ध्येय स्वतंत्रता प्राप्त करना था। ये जो आप आंदोलन, आपको बता दें, जो देख रहे हैं असहयोग सविनय और तथा भारत छोड़ो आंदोलन, अलग अलग न होकर एक बृहद रणनीति के तीन चरण मात्र माने गए हैं। इसमें ये आंसर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण स्पष्ट कीजिए। क्रांतिकारी आंदोलन जो थे उनका उदय क्यों हुआ, आखिर उनकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि क्रांतिकारी आंदोलन उदय हुए, उस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं क्या है। आपको बता दें, क्रांतिकारी आंदोलन उदय के कारण स्पष्ट करना है तो इसमें पहला है आपका बिंदु जो है वह है क्रांति द्वारा संचालित होने वाले आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता है। कांग्रेस की नीतियां नरमपंथी राजनीति की अव्यवहारिकता तथा गरमपंथी विचारधारा की असफलता ने देश के नवयुवकों को क्रांति के लिए उद्वेलित किया। इसके अनुसार पाश्चात्य साम्राज्यवाद केवल पश्चिमी हिंसक साधनों से ही समाप्त हो किया जा सकता था। इस आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। प्रमुख कारण क्या क्या हैं? आपको बता दें, प्रमुख कारणों की अगर बात करें तो प्रमुख कारण है कांग्रेस के नेतृत्व। इसमें प्रमुख कारण है कांग्रेस के नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीतियां, बंगाल विभाजन, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एवं विश्वविद्यालय अधिनियम तथा कांग्रेस में उग्रवादियों के बढ़ते प्रभाव इत्यादि ने क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। स्वदेशी आंदोलन की विफलता एवं उसके क्रूर दमन से क्रांतिकारियों में विरोध की भावना जागृत हुई। परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों ने संगठित होकर शोषण, अत्याचार एवं असमानता के उन्मूलन का निश्चय किया। आनंद मठ, भवानी मंदिर, अंशुलन समिति तथा अभिनव भारत जैसी अनेक संस्थाओं के साथ ही साध्य
काल एवं युगांतर जैसे समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी आंदोलन के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें ग्राफ जो बन रहा है वो किस तरह से बनेगा, ग्राफ बनाकर इस क्वेश्चन को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, वह क्या है आप देख लीजिए। क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन, ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन, उदय के कारण क्या थे, कांग्रेस की अनुपलब्धियां और बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन की विफलता, क्रांतिकारी आंदोलन निष्कर्षतः स्वतंत्र आंदोलन को मजबूत करना, इसका निष्कर्ष क्या था, प्रभाव क्या था, ये जो है चाहता था कि हम जो है स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करना था। उदय के कारण क्या क्या थे, साहित्य एवं समाचार पत्र, आपको बता दें क्रांतिकारी गतिविधियों का जो उदय का कारण था वो क्या था, साहित्य था। जोशीले कविताएं लिखी जाने लगी, माखनलाल चतुर्वेदी निराला जैसे महाकवि आ गए और इन्होंने जोशीले दिनकर जैसे जोशीले कवि आ गए और इसके बाद समाचार पत्र पत्रिकाओं में आर्थिक असंतुष्टि और विदेशी प्रभाव, ये जो है क्रांतिकारी आंदोलन उदय के कारण क्या क्या थे, साहित्य एवं समाचार पत्र और आर्थिक असंतुष्टि और विदेशी प्रभाव, ये सभी जो है कारण बने इसके उदय के, ठीक है। अगला है मुंबई तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में प्लेग की बीमारी फैलने के बाद भी सरकार भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन जैसी घटनाओं ने क्रांतिकारियों को आगे आने का अवसर प्रदान किया। आपको बता दें जब पूरा भारत बीमारी प्लेग से की चपेट में है उस समय ये दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कर रहे हैं, इससे भारतीयों के मन में जो है सरकार के प्रति घृणा की भावना आ जाती है। तुर्की मिस्र तथा फारस में सफल स्वतंत्रता संग्राम 1996 ईस्वी में इथोपिया से इटली की हार और 1905 में रूस के ऊपर जापानी विजय द्वारा यूरोपीय सर्वोच्चता का मिथक तोड़ना उसी रूसी क्रांति किसे क्रांतिकारी मार्ग का अनुसरण तथा मार्क्सवाद समाजवाद एवं सर्वहारा के प्रचार प्रसार ने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए उपयुक्त कारण प्रस्तुत किया। गैरेट ने लिखा है इटली की हार ने 1897 ईस्वी में तिलक के आंदोलन को काफी बल दिया। इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के अनेकानेक कारण दृष्टिगोचर होते हैं जिससे युवा क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में सहायता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, नौवां नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है, भारतीय क्रांतिकारियों की रणनीति पर प्रकाश डालें, भारतीय क्रांतिकारियों की जो रणनीति थी उस पर प्रकाश डालना है। उत्तर इसका क्या होगा, कैसे लिखना है, क्रांतिकारियों ने भारत से ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करने के लिए सटीक कूटनीति एवं रणनीति का प्रयोग किया, इसके लिए इन्होंने विविध प्रक्रियाओं का सहारा लिया तथा गोपनीयता के साथ इसका क्रियान्वयन किया। इनकी प्रमुख रणनीतियां इस प्रकार हैं, क्या क्या रणनीतियां थी आपको बता दें, क्रांतिकारी कार्य करने का तरीका, गुप्त समितियों का गठन किया गया, मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत करना, जो है इसका अर्थ देखिए, क्रांतिकारियों की रणनीति निष्कर्ष जो है अर्थ और निष्कर्ष है इसका, अवैध हथियारों का आयात एवं संग्रहण करना, अंग्रेज मुक्त भारत की परिकल्पना की गई और अत्याचारी अफसरों मुखबिरों व देशद्रोहियों की हत्या करने की बात की गई, सर्वहारा को संगठित करना। आपको बता दें क्रांतिकारी कार्य करने का तरीका क्या था, क्रांतिकारियों की रणनीति, निष्कर्ष क्या था इसका, अंग्रेज मुक्त भारत की परिकल्पना इसका जो है, अंग्रेज और रणनीति क्या थे, गुप्त समितियों का गठन किया गया, मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत किया गया और अवैध हथियारों का आयात एवं संग्रह किया गया, अत्याचारी अफसरों व मुखबिरों का देशद्रोहियों की हत्या की गई, सर्वहारा को क्या किया गया, संगठित किया गया, सर्वहारा वर्ग को क्या किया गया, संग्रहित संगठित किया गया,
अंग्रेज शासन के विरुद्ध कार्रवाइयों हेतु गुप्त समितियों का गठन किया गया। देश के शहीदों, जीवनियों और शौर्य गाथाओं का प्रचार प्रसार किया गया। अवैध हथियार की तस्करी, निर्माण, संग्रह तथा प्रयोग उच्च कूटनीति एवं रणनीति के द्वारा किया गया। युगांतर, वंदे मातरम आदि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विचारधारा का प्रचार प्रसार किया गया। युवा, किसान, मजदूर तथा सर्वहारा वर्ग को रणनीति के तहत प्रशिक्षण देकर क्रांतिकारी के रूप में निर्मित किया गया। क्रांतिकारियों ने खून का बदला खून की रणनीति पर कार्य किया। आपको बता दें, जो गर्म दल के नेता थे, क्रांतिकारी थे, वह खून का बदला खून विश्वास करते थे। अत्याचारी अंग्रेज अफसरों, रेड, जैक्सन, सैंडर्स इत्यादि मुखबिरों तथा देशद्रोहियों की हत्या की गई। अतः स्पष्ट है कि क्रांतिकारियों ने कुशल एवं व्यापक रणनीति के द्वारा अंग्रेज मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अतुलनीय योगदान दिया। अब आपका आखिरी और दसवां प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की रचना तथा उनकी गतिविधियों का वर्णन कीजिए। जापानी सेना द्वारा पराजित भारतीय युद्ध बंदियों को सिंगापुर में उनके द्वारा कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिए जाने पर उन्होंने इन सैनिकों को लेकर सेना निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1942 के अंत तक लगभग 40,000 लोग मोहन सिंह के नेतृत्व में आ गए थे। सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 16,300 सैनिकों को लेकर किया गया। दूसरा, इसका आजाद हिंद फौज को ख्यात में लाने का कार्य बाद में सुभाष चंद्र बोस द्वारा वर्ष 1943 में जर्मनी से जापान पहुंचने पर हुआ। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाल लिया। 31 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थाई भारत सरकार की स्थापना की। इस प्रकार सरकार ने ब्रिटिश तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी, जापान तथा इसके समर्थक देशों ने अस्थाई सरकार को मान्यता भी दे दी। सुभाष चंद्र बोस ने जापानियों द्वारा नवंबर 1943 में प्रदत्त अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का नाम क्रमशः शहीद एवं स्वराज द्वीप रखा। अब पुनः इनका नाम यही रख दिया गया है। आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर एवं रंगून में बनाया तथा फौज को पुनर्गठित किया। उन्होंने गांधी, नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस नामक 3 डिवीजनों का गठन किया। कौन कौन से डिवीजन थे, आप ध्यान दे लीजिए। जो डिवीजन ऐसे भी थे जिनमें क्रांतिकारियों का नाम नहीं था, उनका भी नाम रख दिया गया आपको। जैसे गांधी डिवीजन, नेहरू डिवीजन था, सुभाष चंद्र बोस, 3 डिवीजनों में इसको डिवाइड किया गया था। कौन कौन डिवीजन थे, गांधी डिवीजन, नेहरू डिवीजन तथा सुभाष चंद्र बोस नामक 3 डिवीजनों का गठन किया गया। साथ ही स्त्रियों को भी एक टुकड़ी की रेजिमेंट बनाई गई जिसका नाम झांसी रेजिमेंट रखा गया। क्या रखा गया, झांसी रेजिमेंट रखा गया। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर, आजाद हिंद की तरफ से रेडियो में बोलते हुए गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, पहली बार राष्ट्रपिता सन 1944 में, राष्ट्रपिता मतलब ये जो है 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद के संबोधन के समय रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया और कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। वर्ष 1944 में आजाद हिंद फौज आगे बढ़ती हुई असम में कोहिमा तक पहुंच गई। परम दुर्भाग्यवश यह सेना इम्फाल के समीप अंग्रेजी सेना से युद्ध में पराजित हो गई और उसके सैनिक तथा तथा कमांडरों को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर 1945 में भारत लाया गया। इस प्रकार आजाद हिंद फौज अपने प्रयत्नों में सफल तो नहीं हो सकी, किंतु एक गौरवशाली परंपरा का प्रतीक अवश्य बन गई। आजाद हिंद फौज
सेना में राष्ट्रीय भावना का प्रतीक थी, ऐसा कहा जा सकता है। 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत छोड़ने के निर्णय पर इससे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला है। ये जो है आपके प्रश्न थे, ये आपके 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्नों पर हमने टिप्पणी किया था। और कल जो है मैं आपको बता दूं कि फोर्थ पेपर का एक आध क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, मतलब अगली क्लास में, ठीक है। तो आप मनोज आईएएस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़े रहें, आपको बता दें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम से ही आप बहुत कुछ सीख करके मेंस पास कर लेंगे, क्योंकि आपको बता दें सफलता के लिए जो 3 चरण है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों चरणों तक पहुंचने के लिए आपको बता दें प्री आप कैसे भी करके मान लो पास भी हो जाते हैं, अब मेंस अगर लिखने का सही तरीका नहीं होगा तो आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच सकते, और इंटरव्यू तक नहीं पहुंचेंगे आप सफल भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। इसके लिए आप मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।